अगर आप अपने मोबाइल चार्जर को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि इसका जो इनपुट होता है वो एसी में होता है और इसका जो आउटपुट होता है वो डीसी आउटपुट होता है। किसी भी तरह का चार्जर हो उसका आउटपुट डीसी ही होना होगा। अगर हम कोशिश करेंगे किसी भी बैटरी को चार्ज करने का एसी से तो ये इम्पॉसिबल है, वो कभी भी चार्ज नहीं होगा। हम चार्ज सिर्फ डीसी से ही कर सकते हैं, डायरेक्ट करंट से ही। हम चार्जर को अपने मेन लाइन में इंसर्ट करते हैं और इससे जो आउटपुट निकलता है उससे हम मोबाइल के बैटरी को चार्ज करते हैं। मेन लाइन का जो एसी होता है वो 220 वोल्ट एसी होता है लगभग, उसे ये कन्वर्ट करता है 5 वोल्ट डीसी में, तब जाके मोबाइल चार्ज होता है। तो यहां जो ये वोल्टेज ड्रॉप होता है, जो वोल्टेज 220 वोल्ट एसी से वोल्टेज का जो चेंज है 5 वोल्ट में चेंज करना, ये तो चलिए हमें पता है, ये ट्रांसफार्मर कर देता है। लेकिन एसी को डीसी में कौन कन्वर्ट करता है? ये कन्वर्ट करता है रेक्टिफायर। बेसिकली मोबाइल चार्जर्स में फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर होता है, तो आज हम इस वीडियो में फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर पे ही बात करेंगे। ये रहा उसका सर्किट। तो जैसे कि हमने बात किया कि रेक्टिफायर कुछ ऐसा कंपोनेंट होता है जो कि कन्वर्ट करता है एसी को डीसी में। इससे पहले एक वीडियो में हमने फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर पे बात किया था कि उन दोनों में क्या डिफरेंस है और एग्जैक्टली किस तरह के रेक्टिफायर को हम फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। तो उस वीडियो का लिंक मैं यहां पर आपको सजेस्टेड वीडियोस में डाल रहा हूं, हो सके तो आप उसे देख ले, फिर भी इस वीडियो में हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहले मान ले कि एक एसी का सोर्स है, तो ये एसी का सोर्स, अगर आप इसमें लगा देते हैं एक रेक्टिफायर, एक मान ले ये एक रेक्टिफायर है। कैसा रेक्टिफायर है? ये हाफ वेव रेक्टिफायर है मान ले। सो ये है हाफ वेव रेक्टिफायर। तो इससे जो आउटपुट निकलेगा वो आउटपुट कैसा होगा? देखे, हमें पता है कि एसी का सोर्स जो है वो अपना पोलैरिटी चेंज करते रहता है। कभी एक टर्मिनल पॉजिटिव पोटेंशियल में रहता है तो वही टर्मिनल कुछ देर बाद नेगेटिव पोटेंशियल में चला जाता है, तो वो अपना पोलैरिटी को चेंज करता है। तो मान ले इस पॉइंट ऑफ टाइम में ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो यहां से जब करंट का फ्लो होता है तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है, इसे डीसी में कन्वर्ट करता है। वैसे तो देखे, अगर एसी होगा तो कभी करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, उसके बाद करंट का डायरेक्शन बदल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मतलब कि ये पोलैरिटी ये पॉजिटिव बन जाएगा और ये नेगेटिव बन जाएगा, तो ऑब्वियस ही बात है करंट का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। ये एसी का बेसिक फीचर होता है, एसी जिससे बनता है। जैसे कि अगर आप वर्किंग फंक्शन पता कर ले एसी जनरेटर का तो आप समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों करता है एसी, क्योंकि उसका जो सोर्स है वही ऐसे ही जनरेट करता है पोटेंशियल डिफरेंस को। तो ये अपना पोलैरिटी चेंज करता है। अब अगर इसे हम हाफ वेव रेक्टिफायर से पास करते हैं, ये रेक्टिफायर क्या करता है, इसे डीसी में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन हाफ वेव रेक्टिफायर इसे कैसे डीसी में कन्वर्ट करता है, ये देखने वाली बात है। कि मान ले अभी करंट ऐसा है तो हाफ वेव रेक्टिफायर अलाउ कर देगा करंट को पास होने में। तो अगर मान ले आप यहां पर कुछ रेजिस्टेंस या कुछ अप्लायंस लगाए हुए हैं तो अभी करंट फ्लो करेगा, लेकिन इसके और एक साइकिल में जबकि ये अपना पोलैरिटी को चेंज करेगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल बन जाएगा और ये नेगेटिव टर्मिनल बन जाएगा और करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करने का जो है टेंडेंसी रखेगा, उस समय इस सर्किट के थ्रू करंट पास नहीं करेगा। इसका मतलब जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है वो आधा समय करंट को पास होने देता है और आधा समय पास होने नहीं देता है। तो चूंकि ये एक ही डायरेक्शन में अलाउ करता है करंट को, इस डायरेक्शन में अलाउ करता है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट को ये रोक देता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो आउटपुट है यहां पर जो करंट हमें दिखेगा वो एसी नहीं होगा, डीसी होगा। क्योंकि एसी होने के लिए जो बेसिक प्रॉपर्टी उसे फुलफिल करना होता है वो होता है कि पोलैरिटी का चेंज होना। तो अगर इस डायरेक्शन में भी करंट का फ्लो होता है इस सर्किट में तो हम कहते हैं कि यहां पर आउटपुट में एसी है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन यहीं पर अगर ये हाफ वेव रेक्टिफायर नहीं होता बल्कि फुल वेव रेक्टिफायर होता, इस तरह से वही सोर्स है एसी का और यहां पर जो रेक्टिफायर है ये अब फुल वेव रेक्टिफायर है, तो इससे भी दो टर्मिनल निकला हुआ है, ये आउटपुट है। तो इस केस में क्या होगा कि अगर हम यहां पर किसी भी तरह का अप्लायंस जोड़ दें, करंट का फ्लो जब इस डायरेक्शन में होगा तब भी ये फुल वेव रेक्टिफायर करंट को एक डायरेक्शन में अलाउ करेगा, किसी सर्टेन डायरेक्शन में, वो पहले से डिसाइडेड होगा। तो इस डायरेक्शन में करंट को अलाउ करेगा
और साथ ही साथ जब यहां इस सोर्स का पोलैरिटी चेंज हो जाएगा, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा सर्किट में, तब भी ये रेक्टिफायर कुछ ऐसा काम करेगा कि करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। करंट का डायरेक्शन इस फुल वेव रेक्टिफायर के आउटपुट में चेंज नहीं होगा। तो अब भी ये एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा, लेकिन पूरी तरह से सोर्स को यूटिलाइज कर रहा। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या हो रहा था कि आधा समय करंट फ्लो कर रहा था, आधा समय करंट फ्लो नहीं कर रहा था, लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, ये हर समय करंट को अलाउ करता है, चाहे सोर्स से करंट का डायरेक्शन कुछ भी हो, ये आउटपुट में अपना जो है करंट का फ्लो वो जारी रखता है। तो ये है बेसिक डिफरेंस फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर में। तो आज हम जो बात करेंगे वो एक तरह का फुल वेव रेक्टिफायर है, और मोस्टली मोबाइल चार्जर्स में आपको फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर ही दिखेगा। तो इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो फिगर आपको दिख रहा है यहां पर फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का, तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कॉम्पोनेंट्स। तो ये है इसका सोर्स, एसी का सोर्स। यहां से करंट, यहां से सर्किट जुड़ा हुआ है इस पार्ट के साथ, और इस पॉइंट से एक आउटपुट निकला है और इस पॉइंट से एक आउटपुट निकला है, और दोनों आउटपुट्स आपको यहां पर दिख रहे हैं। यहां आप कोई अप्लायंस जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से अगर मान ले यहां पर कोई अप्लायंस जोड़ा गया है, तो इससे करंट का जो फ्लो होगा वो एक ही डायरेक्शन में होगा, चाहे ये जो एसी का सोर्स है ये पॉजिटिव टर्मिनल रहे और ये निगेटिव टर्मिनल रहे, तो जो कि करंट का फ्लो इस सर्किट में इस डायरेक्शन में होगा, या फिर ये पॉजिटिव टर्मिनल रहे और ये नेगेटिव टर्मिनल रहे, तो इस सर्किट में करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन जो आउटपुट है यहां पर आप जो अप्लायंस जोड़ेंगे वहां करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। और वो कैसे करेगा चलिए देख लेते हैं। तो मान ले इस पॉइंट ऑफ टाइम में हमने मान लिया कि ये पॉजिटिव टर्मिनल बना हुआ है और ये नेगेटिव टर्मिनल बना हुआ है, तो करंट का जो टेंडेंसी है सर्किट से इस डायरेक्शन में फ्लो करने का है। यहां पर देखे डायोड्स लगे हुए हैं, यहां पर पीएन जंक्शन चार लगे हुए हैं, तो करंट अब यहां इस पॉइंट में आके दो पार्ट में स्प्लिट होने का कोशिश करेगा। एक तो पार्ट इस डायरेक्शन में जाएगा और दूसरा कोशिश करेगा इस डायरेक्शन में जाने का, जबकि जा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर देखे ये जो पीएन जंक्शन है, अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो इस पीएन जंक्शन में रिवर्स बायस क्रिएट होगा और ये करंट को फ्लो होने से रोक देगा। यही फीचर है पीएन जंक्शन का। लेकिन यहां पर इसमें फॉरवर्ड बायसिंग हो रहा है, जो कि पीएन जंक्शन अलाउ करता है करंट को पास होने में। पीएन जंक्शन होता क्या है, पीएन जंक्शन अगर मान ले ये इसका स्कीमेटिक डायग्राम है, पीएन जंक्शन अगर एक सर्किट में जोड़ दे तो ये इसका पी साइड होता है, ये इसका एन साइड होता है, तो ये करंट को इस डायरेक्शन में फ्लो होने देता है और करंट को इस डायरेक्शन में फ्लो होने नहीं देता है। यही इसका बेसिक फीचर है। हमने पीएन जंक्शन पे काफी बात किया है, आप सेमीकंडक्टर का प्लेलिस्ट खोल के आप देख सकते हैं। तो करंट इस डायरेक्शन में अब फ्लो करेगा। देखिए करंट का बिहेवियर कैसा होगा, फिर करंट यहां से जाएगा इस पॉइंट में, जब पहुंचेगा तो इस डायरेक्शन में ये फ्लो नहीं कर पाएगा क्योंकि यहां पर रिवर्स बायसिंग हो जाएगा। फिर तो करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में, जो अप्लायंस आपने जोड़ दिया है यहां पर उसके थ्रू करंट जो पास करेगा वो इस डायरेक्शन में पास करेगा, और यहां से आगे करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करते हुए यहां से यहां होते हुए ये सीधे चले जाएगा सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल में। यहां एक सवाल आ सकता है आपके मन में कि यहां से इस पॉइंट से करंट तो इस डायरेक्शन में भी फ्लो कर सकता था, बिल्कुल कर सकता था, यहां तो फॉरवर्ड बायसिंग हो रहा, लेकिन क्यों नहीं करेगा, क्योंकि देखे ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप कंपेयर करें तो करंट जो है यहां से फ्लो करते हुए आया था सोर्स से, अब ये बहुत बड़ा एक सर्किट पार करके आया, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा यहां पर, यहां पोटेंशियल ज्यादा होगा और यहां पर पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि बहुत बड़ा सर्किट, लंबा सर्किट पार करके आया, ये बहुत सारे रेजिस्टेंसेस पार करके आया, तो ये चला जाएगा लोअर पोटेंशियल में और ये पॉइंट चूंकि हायर पोटेंशियल में है तो इस कारण से करंट इस डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर पाएगा। तो करंट का टेंडेंसी, वैसे अगर पोटेंशियल डिफरेंस को आप कंसिडर करें तो करंट का टेंडेंसी फ्लो करने का है यहां से यहां इस पॉइंट तक, लेकिन यहां रिवर्स बायस हो रहा है इसीलिए करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। तो ये तो हो गया एक साइकिल की बात, हमने देखा कि करंट इस अप्लायंस से किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा, ऊपर से नीचे फ्लो कर रहा। तो अगर
अगले हाफ साइकिल की बात हम करें तो चलिए देख लेते हैं क्या होगा। तो अब जो टर्मिनल है वो चेंज कर जाएगा, अपना पोलैरिटी चेंज करेगा, सोर्स कुछ ऐसा होगा। और पिछले केस में क्या था उसे चलिए लिख के रखते हैं। पिछले केस में हमने देखा था करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में था, अब इस केस में क्या होगा देखते हैं। करंट का फ्लो ऐसे इस सर्किट से होगा, यहां से इस पॉइंट में पहुंचेगा, यहां पर जाके करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि यहां इस डायरेक्शन में तो रिवर्स बायसिंग हो जाएगा तो फ्लो नहीं हो पाएगा करंट। अब यहां पर पहुंच के ये इस डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर सकता है क्योंकि रिवर्स बायसिंग होगा फिर। तो अब करंट यहां से फ्लो करेगा और यहां जो भी अप्लायंस लगा हुआ है उसमें इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो पिछले केस के साथ कंपेयर करके देख ले, करंट का जो फ्लो है उसका डायरेक्शन सेम है, चाहे ये जो सोर्स है उसका पोलैरिटी चेंज हो जाए। अब आगे यहां से करंट फ्लो करेगा कुछ ऐसे, यहां से फ्लो करते हुए यहां पहुंचेगा। अब यहां पहुंचने के बाद करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में, फिर वही चीज इस डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यहां का जो पोटेंशियल है ये ऊपर है, हायर है, और यहां का पोटेंशियल नीचे है, लोअर पोटेंशियल है ये। तो करंट का जो फ्लो होगा वो इस पाथ से होगा और यहां से होते हुए ये सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल में करंट जाके समा जाएगा। तो हमने देखा चाहे कुछ भी हो, पोलैरिटी इसका किसी भी तरह का हो, दोनों ही केस में करंट जो है आउटपुट में वो फ्लो करेगा सेम डायरेक्शन में। तो इसका जो सोर्स है, सोर्स तो एसी है, लेकिन इसका जो आउटपुट है ये आउटपुट डीसी मिल रहा हमें। तो ये क्या है फिर? ये एक रेक्टिफायर है और इसी का नाम है ब्रिज रेक्टिफायर। हमने इससे पहले जो रेक्टिफायर में बात किया था, फुल वेव रेक्टिफायर, जो बेसिक फुल वेव रेक्टिफायर होता है वो कुछ ऐसा होता है। तो मैं इस पे और डिटेल्स में चर्चा नहीं करूंगा, अगर आपको इसके बारे में जानना है तो हमने जिस वीडियो पे बात किया है इस पे, जिसका कि लिंक मैंने थोड़ी देर पहले दिया था आपको, सजेस्टेड वीडियोस में जो रिफ्लेक्ट कर रहा था, वहां क्लिक करके आप इसे देख सकते हैं। तो बेसिक डिफरेंस जो होता है, जो सिंपल फुल वेव रेक्टिफायर होता है और जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, उनमें बेसिक डिफरेंस होता है कि इसमें ब्रिज रेक्टिफायर में पावर लॉस नहीं होता है, बहुत कम पावर लॉस होता है। रीजन बींग, क्या रीजन है कि यहां पर देखें हम क्या यूज कर रहे हैं। यहां पर हम दो इंडक्टर्स यूज कर रहे हैं म्यूचुअल इंडक्शन के लिए, जो कि ट्रांसफार्मर जैसा काम कर रहा है, तो यहां पर होगा एनर्जी लॉस। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो एनर्जी लॉस जो है बहुत कम होगा, रिलेटिवली बहुत कम होगा। तो ये बेनिफिट है ब्रिज रेक्टिफायर का, ये जो है ये अपर हैंड है, ये बेनिफिट है जब हम कंपेयर करेंगे सिंपल फुल वेव रेक्टिफायर के साथ। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, आगे के वीडियोस में और भी इंटरेस्टिंग चीजों पे हम बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।